हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं टॉप और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 25,000। दोस्तों मिड रेंज सेगमेंट मीन 25,000 प्राइस बैंड के अंदर ऑलरेडी काफी सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। इस सिचुएशन में एक बेटर कैमरा स्मार्टफोन पिक करना थोड़ा सा हार्ड होता है, बिकॉज इस प्राइस बैंड के अंदर कुछ ही स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको बेस्ट कैमरा मिलता है। काफी रिसर्च करने एंड टाइम देने के बाद टॉप और बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन सजेस्ट करूंगा, जहाँ से आप अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के थ्रू किसी भी फोन को पिक कर सकते हो। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में वीवो की तरफ से, वीवो T2 Pro 5G। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, वीवो हमेशा डिजाइन और कैमरा पर फोकस करता है। परफॉर्मेंस के लिए वीवो ने आइको को इंट्रोड्यूस किया था, जो वीवो का एक सब ब्रांड है। बट ये वीवो का एक ऐसा फोन है जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ बेस्ट कैमरास मिलते हैं। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के रियर साइड में स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें डुअल कैमरास को प्लेसमेंट किया गया है। प्राइमरी लेंस 64MP का होगा विद OIS, साथ में 2 का बोके लेंस मिलता है, बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से मैक्सिमम 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p मींस फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें कोई भी सोनी या सैमसंग का सेंसर नहीं मिलेगा, कोई ओमनी विजन का सेंसर दिया गया है, ऊपर से अल्ट्रा वाइड भी नहीं है। बट वीवो ने इसको अच्छा खासा ऑप्टिमाइज करके रखा है प्राइस के अकॉर्डिंग, जिससे आपको ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी मिलती है, बाकी हाई रेजोल्यूशन पर वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर 6.78 इंच का FHD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रेपरेट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1300Hz ब्राइटनेस, 1200Hz TSR एंड HDR10+ सपोर्ट मिलता है। ब्यूटीफुल डिस्प्ले दिया गया है, डेफिनेटली प्रीमियम फील होगा। बैक साइड में AG ग्लास मिलता है विद ग्लॉसीनेस। ये काफी पतला एंड लाइट वेट फोन है, ओनली 7.36mm थिक एंड 175g वेट के साथ आता है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा MediaTek Dimensity 7200, जो ओनली 4nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, 7 लाख के अराउंड स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो 60fps पर, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगा। डे टू डे यूजेज में मीडियम सेटिंग्स पर टॉप नॉच गेमिंग कर सकते हो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है। इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। इसमें 4600mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP52 की रेटिंग और सिंगल मोनो स्पीकर मिलता है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 23,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 2,000 ऑफ मिलेगा एंड आप इस फोन को 22,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, लेटेस्ट एंड ब्रांड न्यू Realme 12 Pro 5G, जो एक बेस्ट लुकिंग फोन है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के बैक साइड में सर्कल टाइप राउंडेड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें ट्रिपल कैमरास की प्लेसमेंट मिलती है। प्राइमरी लेंस 50MP का होगा विद OIS, जो सोनी IMX882 के साथ आता है। साथ में 32 का टेलीफोटो लेंस मिलता है विद OIS और 8 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से मैक्सिमम 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रीवियस 11 प्रो के कॉम्पेयर डेफिनेटली कैमरा को अपग्रेड किया गया है। टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है OIS के साथ, वो भी मिड रेंज के अंदर। बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिलती है, नो डाउट। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर 6.7 इंचेस FHD प्लस सुपर AMOLED मींस OLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रेपरेट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 240Hz का TSR और ये 10-bit पैनल है, मतलब 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं। और हाँ, ये कर्व्ड पैनल है, जो आपको डेफिनेटली प्रीमियम फील होगा। बैक साइड में पॉली कार्बन डिजाइन दिया गया है विद वेगन लेदर फिनिश। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, जो एक लेटेस्ट CPU है, 4nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, 5 लाख के अराउंड स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो एंड इस CPU के साथ आने वाला ये वर्ल्ड फर्स्ट फोन है। डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इन दिस सेगमेंट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 मिलेगा। डुअल सिम स्लॉट दिया गया है, 2 सिम के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP65 रेटिंग एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 25,999, बट अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन ये स्मार्टफोन आपको अंडर 23K डेफिनेटली मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord C3 5G। ये ब्रांड वैल्यू के साथ ऑक्सीजन OS का यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको ब्रांड वैल्यू के साथ आने वाला कोई बेस्ट कैमरा फोन चाहिए देन इसको चेकआउट कर सकते हो। 25,000 सेगमेंट का ये वन ऑफ द बेस्ट OnePlus फोन है। 8+128 GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के बैक साइड में रेक्टेंगुलर शेप ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX890 के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से मैक्सिमम 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से फुल HD मींस 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सडनली इसमें OIS नहीं मिलता है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग OnePlus ने इसको अच्छा खासा ऑप्टिमाइज करके रखा है। इसमें आपको फ्लैगशिप कैमरा सेंसर भी मिलता है 890, जो सेम सेंसर आपको OnePlus के फ्लैगशिप फोन 11R के अंदर भी मिला था, जो 40,000 के अराउंड सेल होता है। हालांकि उस लेवल की कैमरा क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, बट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस मिलता है। डे लाइट कंडीशन में बेस्ट क्वालिटी फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हो। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर 6.7 इंचेस FHD प्लस फुल एड एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंच होल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 950Hz ब्राइटनेस, 240Hz का TSR, PWM डिमिंग एंड HDR10 सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले फ्लैट है, बट हाँ क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसीनेस। ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G, जो एक लेटेस्ट एंड काफी स्टेबल CPU है। 6nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। 7 लाख के अराउंड स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो 60fps पर। लो टू मीडियम सेटिंग्स पर टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 मिलता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, 2 सिम या फिर 1 सिम 1 SD कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 80W की वुक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें इंफ्रारेड सेंसर, IP54 की रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और NFC का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 24,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 2,000 ऑफ मिलेगा एंड आप इस फोन को 23,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। ये सेगमेंट का वन ऑफ दी बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन है, जो आपको बेस्ट कैमरास ऑफर करता है। अगर आपको ब्रांड वैल्यू के साथ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए देन इसको चेकआउट कर सकते हो। 8+256GB सिंगल वेरियंट से आता है और इस फोन के रियर साइड में ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे रेक्टेंगुलर शेप में। प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल दिया गया है विद OIS, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरे से मैक्सिमम 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस मिलता है अकॉर्डिंग टू प्राइस। डे लाइट कंडीशन में बेस्ट क्वालिटी फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हो, बट हाँ नाइट के अंदर ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर 6.7 इंचेस FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंच होल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए फिजिकल माउंटेड मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 800Hz ब्राइटनेस और HDR10 सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले फ्लैट है, बट क्वालिटी आपको शानदार मिलेगी नो डाउट। वैसे भी सैमसंग जो सुपर एमुलेट होता है ना, वो आपको अनदर स्मार्टफोन्स के कंपेयर बेटर मिलता है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसीनेस। इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा सैमसंग के खुद का एक्जिनोस 1380, जो काफी स्टेबल CPU है। ओनली 5nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। 5 लाख के अराउंड स्कोर आता है। आप यहां से अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। लो टू मीडियम सेटिंग्स पर बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि 1UI 5.1 पर बेस्ड है। इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, अगेन 2 सिम या फिर 1 सिम 1 SD कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो। एंड ये एक फुली फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है, बिकॉज इसमें आपको 4 साल तक OS अपडेट्स एंड 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सडनली अडेप्टर बॉक्स पर नहीं मिलेगा। बाकी इसमें सिर्फ सिंगल मोनो स्पीकर मिलता है, 3.5mm जैक नहीं है। तो ये 8GB रैम प्लस 256GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 24,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 1000 ऑफ मिलेगा एंड आप इस फोन को 24,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे ये थे टॉप कैमरा फोन्स अंडर 25 के। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।